खुदा की बस्ती तहरीर चौकत सिद्दीकी, नौशा सड़क पर बेसुध पड़ा था। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती रही। आधी रात को एक राहगीर उधर से गुजरा। ये सलमान था। वो एक मकामी कॉलेज का तालिबे इल्म था और फिल्म देखकर लौट रहा था। उसने नौशा को देखा तो रुक गया, झिझकता हुआ उससे करीब जाकर खड़ा हो गया। उसी वक्त नौशा ने कराहते हुए करवट बदली। सलमान झुककर उसे गौर से देखने लगा। उसके तमाम जिस्म पर खाक थी। उसने नौशा का हर तरफ से जायजा लिया। चोट ज्यादा नहीं मालूम होती थी, सिर्फ कंधे के पास खून का गहरा सुर्ख निशान था। उसे बीच सड़क से उठाकर वो फुटपाथ पर ले आया। दूर दूर तक किसी आदमजात का पता ना था। सड़क सुनसान थी, हर तरफ वीरानी बरस रही थी। उसने नौशा को होले होले झंझोड़ा और किसी न किसी तरह नाम और पता मालूम किया। इत्तफाक से खाली तांगा आता हुआ नजर आया। सलमान ने तांगा रुकवाया, कोचवान की मदद से नौशा को तांगे में डाला और खुद भी सवार हो गया। तांगा नौशा के घर की तरफ चल दिया। सड़क का रास्ता तो तांगे में इत्मीनान से गुजर गया, लेकिन गली इतनी तंग थी कि तांगा अंदर नहीं जा सकता था। सलमान ने तांगे वाले को किराया दिया और नौशा को दोनों हाथों पर उठाकर गली के अंदर दाखिल हो गया। अंधेरे में दो बार ठोकर खाकर गिरते गिरते बचा। रात का वक्त और अजनबी जगह, सलमान के लिए नौशा के घर का पता लगाना भी एक मसाला बन गया। ना जाने कितनी देर उसे अंधेरी गली में भटकना पड़ता। खुशकिस्मती से महल्ले का एक आदमी मिल गया। वो रेलवे में मुलाजिम था और उस वक्त ड्यूटी पर जा रहा था। उसने नौशा का मकान बता दिया। सलमान ने नौशा को घर के दरवाजे पर लिटाया और ज़रा देर तक हांफता रहा। वो छरीरे जिस्म का दुबला पतला नौजवान था, इस कदर मशक्क़त का आदी ना था। उसका सारा बदन पसीने पसीने हो गया था। सलमान ने दरवाजे पर दस्तक दी। कई बार दरवाज़ा खटखटाया मगर कोई जवाब न मिला। घर में सब सो रहे थे। वो रुक रुक कर दरवाजे पर दस्तक देता रहा। आहट से नौशा की माँ की आँख खुल गई। उस रोज़ उसकी तबीयत कुछ ख़राब थी, लिहाजा खुद तो दरवाजे पर ना जा सकी। आवाज़ देकर सुल्ताना को बेदार किया। वो कच्ची नींद से उठी थी। दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनी तो डर कर बोली, ए अम्मा, ये इतनी रात गए दरवाज़ा कौन पीट रहा है? माँ गुस्से से बोली, होगा कौन? वही हरामखोर होगा नौशा। सारी रात वही तबाही फिरने के बाद अब लाट साहब को घर की सूझी है। जा बेटी, दरवाज़ा खोल दे, वरना वो कमबख्त सोने भी न देगा। सुल्ताना ने कोई जवाब न दिया। चुपचाप उठकर कमरे से बाहर चली गई। आंगन में पहुंचकर सर्दी का एहसास हुआ तो जिस्म कपकपा के रह गया। अव्वल शब मौसम खुशगवार था, मगर अब खुनकी बढ़ गई थी। उसने दरवाज़ा खोला और गर्दन बाहर निकाल कर बोली, नौशा, ए नौशा। सलमान भौंचका होकर उसे देखने लगा। उसकी जबान से एक लफ्ज न निकला। सुल्ताना गहरी नींद से उठी थी। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई भी न दिया। नौशा की आवाज न आई तो वह बोली, अरे कहाँ चला गया, बोलता क्यों नहीं? सलमान से अब खामोश न रह गया। कार से उसका एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट का नाम सुनते ही सुल्ताना बदहवास होकर चीखी, हाय अल्लाह, और तेजी से भागती हुई माँ के पास पहुंची। माँ ने घबरा कर पूछा, अरे क्या हो गया? सुल्ताना ने मुंह बिसोरते हुए कहा, नौशा मोटर कार से कुचल गया। वो सिसकियां भरने लगी। माँ भी चीख कर रोने लगी। शोर सुनकर अन्नू जाग उठा और फटी फटी आंखों से दोनों को देखने लगा। सलमान उस वक्त तक नौशा को हाथों पर उठाए हुए कमरे के दरवाजे पर पहुंच चुका था। उसका जिस्म सलमान के हाथों पर बारिश से भीगी हुई शाख की तरह झूल रहा था। सलमान ने नौशा को दरी पर लिटा दिया और माँ बेटी को तसल्ली देने लगा, घबराइए नहीं, ज़्यादा चोट नहीं आई है, बाल बाल बच गया। दोनों बिलक बिलक कर रो रही थीं। उन्हें रोते देखकर अन्नू भी मुंह बिसोर कर रोने लगा। सामने नौशा आंखें बंद किए बेहाल पड़ा था। लैंप की रोशनी में उसका चेहरा लाश की तरह खाकिस्तरी नजर आ रहा था। सलमान ने फिर उनको तसल्ली दी, आप इस तरह क्यों रो रही हैं? कोई घबराने की बात नहीं, कंधे पर जरा सा जख्म आ गया है। माँ नौशा के सिरहाने बैठ गई। सुल्ताना भी उसके करीब पहुंच गई। नौशा अभी तक बेहोश था। उसकी माँ और बहन बेकरार होकर आंसू बहा रही थीं, रुक रुक कर सिसकियां भर रही थीं। ये बड़ा अलमनाक मंजर था। सलमान से ज्यादा देर देखा न गया। परेशान होकर बोला, अब मैं चलूंगा।
माँ उसे दुआएं देने लगी। सलमान बाहर गली में आ गया और सीधा अपने घर की तरफ चल दिया। कमरे में पहुंचकर जब बिस्तर पर लेटने लगा तो उसे ख्याल आया कि घर पहुंचाने के बजाय वो नौशा को अस्पताल क्यों न ले गया। मुमकिन है चोट जिस्म के अंदरूनी हिस्सों में आई हो। वो दिलगिरफ्ता हो गया, सोचने लगा ना जाने नौशा की अब क्या हालत हो। घर में कोई ऐसा मर्द भी नजर ना आया था कि रात में अगर तबीयत ज्यादा गड़बड़ हो जाए तो जख्मी को अस्पताल ले जाए। यूं तो सलमान बड़ा आशफ्ता तबा और लाउबाली नौजवान था, यहां उसका कोई सरपरस्त भी ना था। तन्हा रहता था और बड़ी गैर जिम्मेदाराना जिंदगी बसर करता था। वो उन तालिब इल्मों के जुमरे में शामिल था जो जमाने तालिब इल्मी में ही जिंदगी के बहुत से तजुर्बात हासिल कर लेते हैं। फ्लैश या रम्मी खेलने पर आता तो रात रात भर खेलता रहता और एक एक पैसा हार जाता। महफिल जम जाती तो कभी कभार शराब भी पी लेता। घर से जिस रोज मनी ऑर्डर आता उस रोज वो किसी बालाखाने पर जाकर गाना जरूर सुनता। मगर इन तमाम कमजोरियों के बावजूद बड़ा नरम दिल और खुदा तर्स भी था। यही वजह थी कि वो रात उसने बड़ी बेचैनी में गुजारी। सुबह उठते ही वह नौशा के घर पहुंचा। नौशा की माँ ने उसे अंदर बुला लिया। कमरे में जाकर उसने देखा नौशा अभी तक बेखबर सो रहा था। माँ ने बताया कि सवेरे बहुत तड़के उसे होश आया था, बातचीत भी की थी, अब तबीयत जरा ठीक है। सलमान वहीं दरी पर बैठकर नौशा की माँ से बातें करता रहा। सुल्ताना कमरे के बाहर थी। उसने कई बार सलमान को देखा, वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था और बराबर सिगरेट पर कश लगा रहा था। सुल्ताना ने अन्नू को इशारे से करीब बुलाया, पड़ोस में भेजा के कुर्सी मांग लाए। उसे सलमान का पतलून पहनकर फर्श पर बैठना बड़ा बेतुका लग रहा था। जरा देर बाद अन्नू कुर्सी लेकर आ गया। कुर्सी बोसीदा थी, उसका एक पाया भी टूटा हुआ था। सुल्ताना ने कुर्सी कमरे के अंदर भिजवा दी। नौशा की माँ ने इसरार करके सलमान को कुर्सी पर बिठा दिया। लम्हा भर बाद उसने पहलू बदला तो कुर्सी डगमगा कर उलट गई और उसके साथ ही सलमान धड़ाम से फर्श पर आ रहा। वो जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और अपने कपड़े झाड़ने लगा। कमरे के बाहर सुल्ताना की हंसी रुक रुक कर उभर रही थी। सलमान झेंप कर मुस्कुराने लगा। माँ बच्चों को खाम खा कोसने लगी, खुदा समझे उन कमबख्तों को, अच्छी भली कुर्सी तोड़ डाली। उसने कुर्सी उठाई, दीवार से टिकाई और सलमान को उस पर जबरदस्ती बिठा दिया। इस वक्त वो इस तरह चौकन्ना होकर कुर्सी पर बैठा था जैसे फोटो खिंचवा रहा हो। अब वो ऐन दरवाजे का मुकाबिल बैठा था। कई बार उसने सुल्ताना को दरवाजे की आड़ से झांकते हुए देखा और कई बार उसकी नजरें सुल्ताना की नजरों से टकराईं। लगभग पौन घंटे तक नौशा की माँ से इधर उधर की बातें करने के बाद जब वो जाने लगा तो नौशा की माँ ने बड़े इसरार से कहा, आइंदा भी आते रहना। उसके लहजे में खुलूस था, मोहब्बत थी। दरअसल सलमान उसे बड़ा शरीफ और सआदतमंद लड़का मालूम हुआ था। मौसम बदल रहा था, सर्दी का चलचलाव था, गर्मी की आमद आमद थी, धूप की तमाजत बढ़ गई थी, मगर रातें बड़ी सुनसान होती। भागन का महीना था, चांद निकलता तो दरो बाम आईना खाना बन जाते। शफाफ चांदनी से दिल में कसक उठती, कितनी ही दबी हुई ख्वाहिशें अंगड़ाइयाँ लेकर बेदार हो जाती। एक ऐसी ही सुहानी रात थी, नौशा की माँ दालान में साइबान तले बैठी थी। उसने सहपहर को गुस्ल किया था, धुले हुए उजले कपड़े पहने थे। सुल्ताना को बैठे बिठाए ना जाने क्या सूझी के उसने माँ का दुपट्टा उतारकर अपना बसंती दुपट्टा ओढ़ा दिया। माँ ने एहतजाज किया, अरे लड़की कुछ दीवानी हो गई है, ला मेरा दुपट्टा तो दे। वो हंसकर बोली, अल्लाह कसम अम्मा, बसंती दुपट्टा तो तुम पर खिल गया। बात भी ऐसी ही थी, उसकी ढकी छुपी जवानी बसंती दुपट्टे में जाग उठी थी। बाहर सहन में चांदनी चटकी हुई थी, माँ का चेहरा दमक रहा था, जगमगा रहा था। यूं उसकी उम्र ऐसी ज्यादा नहीं थी, 15 बरस की उम्र में शादी हो गई। साल भर बाद सुल्ताना पैदा हुई जो अब लगभग 17 साल की थी। इस हिसाब से उसका सिन 33 साल के करीब था, लेकिन शौहर के इंतकाल के बाद कुछ तो दुखों ने उसका हुलिया बिगाड़ दिया और कुछ उसने अपनी वजाकता भी बड़ी बूढ़ियों की सी बना रखी थी, वरना एक ज़माने में वो बड़ी तरहदार औरत थी। शौहर चाहने वाला मिला था, ज़िला कचहरी में मुहर्रर था, मगर उसने कभी बीवी का दिल मैला नहीं किया। आधी रात को भी अगर उसने किसी चीज़ की फरमाइश की तो उसी वक्त जाकर ले आता, लेकिन अब उसे मरे हुए 5 बरस हो गए थे
और इन 5 बरसों में उसके सारे जतन हो गए। कौन सी मुसीबत थी जो उसने नहीं झेली, कौन सी परेशानी थी जिससे उसका साबका नहीं पड़ा। ओढ़ने को तो उसने बसंती दुपट्टा ओढ़ लिया, मगर डर रही थी कि कसे मोहल्ले वाले ने देख लिया तो निक्को बन जाएगी। सब यही कहेंगे कि रंडापा छोड़ छाड़ कर अब बनना सवरना शुरू कर दिया है, मारते का हाथ सब पकड़ लेते हैं, कहते की जबान कोई नहीं पकड़ता। वो बैठी यही सोच रही थी कि न्यास आ गया। उस रोज वो बिल्कुल चैला बनकर आया था, सफ़ेद मलमल का कुर्ता, उसके नीचे शरबती बनियान, खड़खड़ाती हुई कलफदार लट्ठे की शलवार, टोपी भी उसने उतार दी थी, आड़ी मांग निकालकर बड़ी मेहनत से बालों को जमाया था जिन पर चिपड़ा हुआ खुशबूदार तेल चमक रहा था। एक हाथ की कलाई में मोतिये के फूलों का गजरा पड़ा था, कान में इत्र का फोया था। न्यास आकर बैठ गया तो सारा घर महकने लगा। उस वक्त वो था भी बड़ा खुश। नौशा की माँ को बसंती दुपट्टा ओढ़े देखा तो मुस्कुरा कर बोला, अरे आज तो आपको पहचानना मुश्किल हो गया। सुल्ताना जो करीब ही बैठी थी मुस्कुरा कर बोली, दूल्हा भाई मैं इनसे अभी यही कह रही थी, अच्छा खासा अपना हुलिया बिगाड़ रखा है, जब देखो ये निगोड़ा मोटा सफ़ेद दुपट्टा सर पर मुंडे बैठी है। न्याज ने मुड़कर सुल्ताना को देखा, उसका हुस्न सफ़ेद लिबास में कुछ और निखर गया था, गुलाबी होंठ मुस्कुरा रहे थे, आँखों में ताज़ा खिले हुए फूलों की शगुफ्तगी थी। वो उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा, ठीक तो कह रही है सुल्ताना, खुदा कसम ये दुपट्टा तो आप पर बड़ा अच्छा लग रहा है। नौशा की माँ शर्मा कर बोली, क्यों तुम दोनों मिलकर मुझे बना रहे हो। सुल्ताना खिलखिला कर हंस पड़ी। न्याज को उसकी हंसी बड़ी अच्छी लगी, वो उसे खुश करने के लिए बोला, सुल्ताना तुम इनको रोज रंगीन दुपट्टे उड़ाया करो, जरा देखो तो कैसी जच रही हैं, भाई इसी बात पर सबका मुंह मीठा हो जाए। वो उस वक्त बड़े शाहाना मूड में था, अभी अभी उसने चोरी के 16 मोटर टायर फरोख्त किए थे जिसमें कई 100 रुपये का मुनाफा हुआ था। उसने अन्नू को बुलाया और जेब से 5 रुपये का नोट निकाल कर बोला, जरा लपक कर शेर भर गर्म गर्म बालूशाही तो लाना। नौशा की माँ ने बहुत मना किया मगर वो बाज ना आया, जिद करके अन्नू को मिठाई लाने के लिए भेज दिया। ज़रा देर बाद अन्नू मिठाई लेकर आ गया। न्याज ने बड़े इसरार से नौशा की माँ को खुद अपने हाथ से एक बालूशाही खिलाई, फिर मिठाई तकसीम की गई। सब खुश थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, घर भर में हंगामा बरपा था। नौशा भी उसी वक्त आया था और सबसे ज़्यादा शोर मचा रहा था। रात गए तक यह हंगामा जारी रहा। आखिर नौशा और अन्नू अपने अपने बिस्तरों में जाकर दुबक गए। थोड़ी देर बाद सुल्ताना भी जमाहिया लेने लगी। वो जाने के लिए उठी तो न्याज ने इस तरह देखा कि उसकी नज़रें साफ कह रही थीं, कुछ देर तो और बैठो, मगर वो उठकर कमरे के अंदर चली गई। न्याज बार बार मुड़कर कमरे की जानिब तकता रहा कि शायद सुल्ताना वापस आ जाए, लेकिन वो बेखबर सो रही थी। न्याज ज़रा देर तक बुझा बुझा सा बैठा रहा, फिर उसने सोचा, चलो आज लगे हाथों सुल्ताना की माँ के रिश्ते की बात छेड़ दी जाए। वो अपनी घरेलू तकलीफ़ों का रोना रोने लगा, होटल के ख़राब खाने से घर के अकेलेपन तक सारी बातें सुना डाली। सुल्ताना की माँ चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। जब वो सब कुछ कह चुका तो उसने इजहार हमदर्दी के तौर पर कहा, मेरा कहा मानो तो तुम अपना घर बसा लो, इस तरह कब तक तकलीफें उठाओगे। न्याज यही बात उसकी जबान से सुनने का अरसे से ख्वाहिशमंद था। उसने फौरन कहा, सोच तो मैं भी रहा हूं, मगर मेरा यहां कौन है जो कहीं सिलसिला छेड़ा जाए, ले दे के एक आपका घर है जहां चला आता हूं। कोई लड़की है तुम्हारी नजर में? न्याज के जहन में एक बार यह ख्याल उभरा कि साफ साफ कह दे, मगर हिचकिचाहट के बाहर अपनी बात न कह सका। उसने सिर्फ इस कदर कहा, यह तो आप ही को सोचना पड़ेगा। वो उसकी बात का मतलब कुछ कुछ भांप गई, भाई मैं क्या बताऊं, अगर मेरी सुल्ताना कुछ बड़ी होती तो मैं खुदा कसम उसको तुम्हारे साथ ब्याह देती। न्याज के सीने पर घूंसा सा लगा, बौखला कर बोला, आप मेरी उम्र कितनी समझती हैं? ये तो मैं जानती नहीं, हाँ इतना ज़रूर है कि सुल्ताना की और तुम्हारी उम्र में आधों आध का फ़र्क होगा। न्याज ये बात किसी तरह मानने को तैयार ना था, खिसियाना होकर बोला, आप भी कमाल कर रही हैं, इतना फ़र्क कैसे हो सकता है। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ,
ज़रूर कहिए। वो उस वक्त सब कुछ सुनने को तैयार था। सुल्ताना की माँ ने दबी जबान से कहा, सच पूछो तो सिन में 2-4 साल मैं तुमसे छोटी होंगी। वो हैरतजदा होकर चीख पड़ा, जी मेरी उम्र क्या समझते हो, 30 साल से ज़्यादा ना होगी। 2-3 साल की उसने अपनी तरफ से डंडी मार दी। न्याज ने इस दफा उसे भरपूर नज़रों से देखा। वो वाकई अभी तक जवान थी। सर के सारे बाल स्याह थे और बड़े सलीके से गुंधे हुए थे। चेहरे के नकूश का तीखापन गो के मांद पड़ चुका था, फिर भी उनमें ताजगी थी, दिलावेजी थी। अलबत्ता जिस्म ज़रा भद्दा हो गया था, ख़ास तौर पर कूल्हे जो किसी कदर फैल गए थे, लेकिन उसमें एक दिलफरेब सजधज और कशिश थी। न्याज ने अब तक उसे इस नज़र से नहीं देखा था। वो उसे सिर्फ सुल्ताना की माँ की हैसियत से देखता रहा था, मगर उस वक्त सिर्फ एक औरत की हैसियत से देख रहा था, और वो भी एक मर्द की नज़र से। सुल्ताना की माँ ने उसे इस तरह टटोलती हुई नज़रों से घूरते देखा तो शर्मा कर दुपट्टा सर पर सिरका लिया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि न्याज के सामने वो शर्मा भी सकती है। इस एहसास में खौफ था, लज्जत थी, ऐसी लज्जत जिससे वह ना आशना नहीं थी और जिसे वह थपक कर सुला चुकी थी। उसने अपने जिस्म में पसीने की नमी महसूस की। वो घबरा रही थी और इस घबराहट पर काबू पाने के लिए उसने जल्दी से पानदान खोलकर पान लगाया और न्याज की तरफ हाथ बढ़ाकर बोली, किस सोच में पड़ गए, लो पान खाओ। न्याज ने हाथ बढ़ाकर पान लिया। दोनों की उंगलियां एक दूसरे से मस हुईं। नौशा की माँ का हाथ कपकपाया और पान नीचे गिर पड़ा। दोनों चौंक कर एक साथ बोले, अरे। दोनों खामोश हो गए और कई मिनट तक चुपचाप बैठे रहे। चांदनी और निखर गई, हवा में सरसराहट थी और न्याज की कलाई में पड़े हुए गजरे के फूल महक रहे थे। अचानक कमरे के अंदर लैंप जोर से भड़का और बुझ गया। वो उठकर कमरे में चली गई जहां घुप अंधेरा था। जितनी देर वो कमरे के अंदर रही, ये तमाम वक्त न्याज ने बड़ी बेचैनी से काटा। वो खामोश बैठा सोचता रहा कि यह सब क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। क्या वो उठकर यहां से चुपचाप चला जाए? कई सवाल उसके जहन में उभर उभर कर गोते लगा रहे थे। उजली चांदनी बाहर सहन में बिखरी हुई थी। हवा सरसराती हुई चल रही थी और मोतिये के फूल महक रहे थे। वो कमरे से निकलकर बाहर आई। न्याज ने गर्दन मोड़कर उसकी जानिब देखा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसके करीब आ गई। न्याज की नज़रें बराबर उसके जिस्म के पेचोखम पर मंडलाती रहीं, मगर जब वो उससे हटकर दूर बैठने लगी तो न्याज की जबान से बेसाख्ता निकल गया, यहाँ मेरे करीब। वो खिसक कर उसके करीब हो गई, मगर नज़र उठा कर न देखा। दोनों चुपचाप बैठे रहे। उजली चांदनी की हल्की हल्की जगमगाहट में दोनों दालान की तन्हाई में गुमसुम बैठे थे। न्याज ने फूलों का गजरा हाथ से निकाल कर सामने रख दिया। लम्हा भर तक वो उसके साथ उंगलियों से खेलता रहा और बराबर सोचता रहा कि क्या बात करे। कुछ देर बाद वो बोली, बहुत रात हो गई। उसकी आवाज़ में थरथराहट थी। 11 बजे होंगे। दोनों फिर खामोश हो गए। ये खामोशी बड़ी हैजान खेज थी। न्याज ने घबरा कर अंगड़ाई ली, उसे गौर से देखा, फिर आहिस्ता से कहा, ज़रा और करीब आ जाओ। और वो खुद उसकी तरफ झुक गया। वो कसमसा कर अपनी जगह पर रह गई। कमरे में सुल्ताना और उसके दोनों भाई घुप अंधेरे में बेखबर सो रहे थे। न्याज बहुत तड़के उठकर नौशा के घर से चला गया। रात के हादसे की यादगार गजरे के मसले हुए फूल रह गए थे जो दालान में हर तरफ बिखरे हुए थे। अब अक्सर ऐसा होता कि न्याज सरेशाम नौशा के घर जाता, रात गए तक बैठा बातें किया करता और अलल सुबह उठकर चुपके से चला जाता। लेकिन सुल्ताना अभी तक उसकी नज़रों में चढ़ी हुई थी। बल्कि माँ और बेटी जब साथ बैठी होती तो माँ उसे भद्दी और बदवजा मालूम होती। मौका मिल जाता तो न्याज सुल्ताना से हंसकर बात भी कर लेता, मगर माँ अब उसकी कड़ी निगरानी करने लगी थी। किसी वक्त भी अकेला छोड़कर ना जाती। ज़रा ज़रा सी बात पर उस सख्ती से डांट देती कि न्याज की मौजूदगी में सुल्ताना का बैठना दोभर हो जाता। एक रात ऐसा हुआ कि न्याज सुल्ताना की माँ से बैठा बातें कर रहा था। किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई तकरीब थी। माँ और बेटी ज़रा देर पहले लौटी थी। सुल्ताना अभी तक अपना रेशमी जोड़ा पहने हुई थी। इस लिबास में उसकी खूबसूरती को 4 चांद लग गए थे। चेहरे पर मासूमियत के साथ रानाई झलक रही थी। न्याज के लिए जब्त करना मुश्किल हो गया। वो बार बार उसकी जानेब देख रहा था।
सुल्ताना को भी उस वक्त अपनी दिलकशी का पूरा पूरा एहसास था। माँ के बार बार कहने के बावजूद उसने लिबास तब्दील नहीं किया और वहीं माँ के कूल्हे से लगी बैठी रही। नियाज ने एक बार नज़र उठाकर देखा तो सुल्ताना की निगाहें भी उसकी जानिब उठी हुई थी। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। वो भी मुस्कुरा दिया। माँ सर झुकाए पान लगा रही थी। मान उसकी नज़र सुल्ताना पर पड़ गई। उसने सुल्ताना को मुस्कुराते हुए देख लिया। उसकी तीवरी पर बल पड़ गए। कहरालूद नज़रों से उसे घूरा, टपट कर बोली, जा अंदर जाकर बैठ, जब देखो सर पर सवार है। सुल्ताना इतराने लगी, अभी नींद नहीं आ रही। माँ ने गुस्से से कहा, जाती है कि नहीं? फिर उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई कमरे के अंदर ले गई। उसने सुल्ताना के रुखसार में ज़ोर से चुटकी भरकर दबी जबान से कहा, हरामजादी, मैं तेरे सब करतूत जानती हूँ। सुल्ताना मुंह बिसोर कर रह गई। माँ के अंदाज में जज्बा रकाबत साफ झलक रहा था। ये बात सुल्ताना ने तो महसूस नहीं की, अलबत्ता नियाज को इसका शिद्दत से एहसास हुआ। दूसरे ही दिन से नियाज महसूस करने लगा कि सुल्ताना अब उसके सामने आते हुए कतराने लगी है। कमरे के अंदर से कभी कभार सिर्फ उसके बोलने की आवाज़ आ जाती। नियाज ने एक आध बार बातों बातों में सुल्ताना का जिक्र छेड़ा तो उसकी माँ बेरुखी से टाल गई। नियाज के जहन में अच्छी खासी उलझन पैदा हो गई। कई रोज़ इसी उलझन में गुजर गए। इन्हीं दिनों का जिक्र है, नियाज खिलाफ तवक्को दिन के वक्त नौशा के घर चला गया। 10:30 बजे का वक्त था। उस रोज़ माँ की तबीयत ख़राब थी। वो अन्नू के साथ अस्पताल गई थी। नौशा वर्कशॉप जा चुका था। घर में सिर्फ सुल्ताना थी। नियाज उसके पास पहुंचा। वो उसे अपने रूबरू देखकर घबरा गई। नियाज ने सबसे पहली बात जो उससे पूछी वो ये थी, तुम दिखाई क्यों नहीं देती? हर वक्त कमरे के अंदर क्यों बैठी रहती हो? उसने साफ साफ बता दिया, अम्मा ने आपके सामने आने से मना कर दिया है। नियाज के जहन को ज़बरदस्त धचका लगा। घबरा कर बोला, क्यों? उसने सादगी से जवाब दिया, उन्होंने कहा है कि दूल्हा भाई से पर्दा किया करो। नियाज ने दिल ही दिल में कहा, अच्छा तो ये बात है। जब ही सुल्ताना ने उसके सामने आना बंद कर दिया, अचानक उसने सुल्ताना की माँ के खिलाफ शदीद नफरत का जज्बा महसूस किया। ज़रा देर खामोश खड़ा पेचोताप खाता रहा, फिर उसने मोहब्बत भरी नज़रों से सुल्ताना को देखा और बड़े प्यार से बोला, सुल्ताना? वो आहिस्ता से बोली, जी। चंद लम्हे दोनों खामोश खड़े रहे, फिर सुल्ताना की घबराई हुई आवाज़ उभरी, आप जाइए, अम्मा आती होंगी, आपको यहाँ देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। नियाज ने सोचा, वाकई इन हालात में उसका वहाँ ठहरना मुनासिब नहीं। वो फौरन बाहर आ गया। उसे रह रहकर सुल्ताना की माँ पर गुस्सा आ रहा था और इसके साथ ही सुल्ताना को हासिल कर लेने की तमन्ना शदीद तर होती जा रही थी। काले साहब ने नियाज का उतरा हुआ चेहरा देखा तो अपनी तशवीश का इजहार किया, मिस्टर नियाज, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? नियाज ने टालना चाहा तो काले साहब इसके सर हो गया, मैं कहता हूँ तुम अपनी लाइफ इंश्योर कर लो, कोई परेशानी नहीं रहेगी। नियाज उस वक्त झुंझलाया हुआ था, जलकर बोला, काले साहब, तुम्हें हर वक्त बीमा ही कराने की पड़ी रहती है, ना वक्त देखते हो ना मौका, हर वक्त साला बीमा तुम्हारे साथ लगा रहता है। काले साहब हंसने लगा। नाराज होना तो उसने सीखा ही नहीं था, वरना इस कदर कामयाब इंश्योरेंस एजेंट ना होता। अरे तुम तो नाराज हो गए, आओ तुमको चाय पिलाऊं, काले साहब नरमी से बोला, मगर नियाज उसके हमरा जाने पर रजामंद ना हुआ। काले साहब इसरार करने लगा, बीमा ना कराओ मगर मेरी चाय तो पी लो, आओ मेरे साथ। वो नियाज को घेर घार कर करीब के चाय खाने में ले गया, चाय का ऑर्डर दिया और इधर उधर की बातें शुरू कर दी। मगर बीमे का जिक्र किए बगैर काले साहब ज़्यादा देर खुद पर काबू न रख सका। घूम फिर कर उसी मौजू पर आ गया, जिंदगी में गारंटी बहुत बड़ी चीज़ है और वो सिर्फ इंश्योरेंस से मिलती है। तुम तजर्बे के लिए 10,000 की पॉलिसी लेकर देखो, फिर खुद ही उसकी इम्पॉर्टेंस समझ लोगे। नियाज ने संजीदगी के साथ बीमा कराने के बारे में ना कभी सोचा था और ना अब उसका इरादा था। उसने सिर्फ काले साहब को छेड़ने की गरज से कहा, देखो काले साहब, बीमा वीमा तो मैं कराऊंगा नहीं, अलबत्ता कोई ऐसी तरकीब तुमको मालूम हो तो बताओ जिससे साल सवा साल में 40-50 हज़ार की रकम मिल जाए। काले साहब कहाँ मैदान छोड़ने वाला था, बड़ी संजीदगी से बोला, इसका भी एक ही तरीका है,
इंश्योरेंस और सिर्फ इंश्योरेंस। अपने किसी बच्चे या वाइफ का बीमा करा दो। अगर साल भर के अंदर उसकी मौत वाकई हो गई तो 50,000 क्या, 1,00,000 की भी पॉलिसी लोगे तो तुमको कंपनी उतना ही रुपया देगी। न्याज सोच में पड़ गया। काले साहब समझा कि वो उसकी बातों पर नाराज़ हो गया, लिहाजा माजरत करने के अंदाज में बोला, देखो भाई, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं। इंश्योरेंस एजेंट मौत और ज़िंदगी की बात हमेशा डॉक्टरों की तरह साफ साफ करता है। ये बात नहीं, दरअसल मैं इस वक्त एक परेशानी में हूँ। बात यह है, न्याज आगे और कुछ कहता मगर काले साहब ने बात भी पूरी ना कहने दी। लगा अपनी हाँकने, मैं तुम्हारी परेशानी खूब जानता हूँ। न्याज ने उसे थीकी नज़रों से देखा और चाय का घोंट पीकर सोचने लगा, ये काले साहब भी अजीब मस्खरा है, मेरी परेशानी ये क्या जाने। मगर काले साहब कतई कारोबारी मूड में था। उसने देखा शिकार फंस रहा है, अब उसे निकलने ना दो, यहीं गर्दन दबोच लो के फड़फड़ा भी ना सके। वो जोश में आकर बोलने लगा, देखो मिस्टर न्याज, आगे का हाल कोई नहीं जानता, जिंदगी क्या है। ये बात तो खुद काले साहब को भी नहीं मालूम थी। बात कहते कहते लम्हा भर के लिए वो उलझा कि अब क्या कहे। फिर उसने मेज पर रखी हुई चीनी की प्लेट उठा ली और उसे न्याज के सामने करते हुए बोला, जिंदगी की मिसाल इस प्लेट की तरह है। इस प्लेट को उठाते हुए तुम डरोगे कि कहीं टूट ना जाए, लेकिन अगर इसका इंश्योरेंस हो चुका है तो डर की कोई बात नहीं। इसकी कीमत तो तुम्हारी जेब में है, तुम इसको यूं उठाकर फेंक सकते हो। और काले साहब ने वाकई प्लेट उठाकर उछाल दी। वो फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गई। प्लेट के टूटने का छनाका हुआ तो काले साहब भी चौंका कि ये उसने क्या कर दिया। चाय खाने में ज़रा देर के लिए सनसनी फैल गई। एक बैरा लपक कर उसके पास आया, हैरतजदा होकर गोया हुआ, साहेब आपने प्लेट क्यों तोड़ डाली। काले साहब बहुत चकराया, फिर खिसियाना होकर हंसने लगा। न्याज को भी हंसी आ गई। बैरा बोला, साहब हंसी की बात नहीं, 2 रुपया दंड भरना पड़ेगा। हुआ भी यही, चाय के बिल के साथ काले साहब को प्लेट के भी 2 रुपये देना पड़े। इस 2 रुपये की चपत से काले साहब की सारी तेजी रफू चक्कर हो गई। भीगी बिल्ली की तरह मरी हुई आवाज़ से उसने न्याज को मुखातिब किया, मिस्टर न्याज, अब तुमसे कहाँ मुलाकात होगी। आज से पहले अगर काले साहब ये बात न्याज से पूछता तो वो जल कर कहता, जहन्नुम में। मगर अब वो वाकई बीमा कराने के बारे में संजीदगी से सोच रहा था। परसों सपहर को आ जाओ, उस वक्त काम भी नहीं होता, इत्मीनान से बात होगी। दोबारा मिलने का प्रोग्राम तय करके वो अपने अपने रास्तों पर चल दिए। दुकान पर पहुंचकर काले साहब की बातों पर न्याज देर तक गौर करता रहा। वो उन लोगों में से था जो सिर्फ रुपया पैदा करने के लिए पैदा होते हैं और उसी के बोझ से दबे हुए एक रोज ठंडे ठंडे दुनिया से कूच कर जाते हैं। न्याज ने सोचा कि अगर बीमे के जरिए साल 2 साल में 40-50 हज़ार की रकम हाथ लग जाए तो मज़ा आ जाए। बात कुछ समझ में आती भी थी, लेकिन इसके लिए पहले एक अदद बीवी की ज़रूरत थी। सोचते सोचते उसने एक स्कीम तैयार की और नौशा के घर पहुंच गया। सुल्ताना कमरे के अंदर बैठी थी। कभी कभी उसकी आवाज़ उभरती तो न्याज के सीने पर सांप लौट जाता। नौशा की माँ की हर बात उसे जहर में बुझी हुई मालूम होती। वो उस वक्त न्याज के सामने बैठी हंस हंस कर पड़ोस की एक औरत का किस्सा सुना रही थी जिसकी शलवार में चूहिया घुस गई थी। जब पहर रात गुजरी और घर पर सन्नाटा छा गया तो न्याज ने खलवत में बड़े प्यार से कहा, इस तरह कब तक ये चोरी छुपे का सिलसिला चलता रहेगा, मेरा तो अब तुम्हारे बगैर एक घड़ी जी नहीं लगता। वो मुस्कुरा कर बोली, दिन में घड़ी 2 घड़ी को चले आया करो। मैं तो कहता हूँ कि क्यों ना एक रोज़ काजी को बुलवा कर 2 बोल पढ़वा लिए जाएं, अल्लाह रसूल भी खुश और दुनिया का खौफ भी नहीं। सुल्ताना की माँ की भी यही ख्वाहिश थी मगर उसके प्रोग्राम के मुताबिक अभी इस नेक काम का वक्त नहीं आया था। बात यह थी कि उसे न्याज की नीयत पर शुबा था। वो चाहती थी कि पहले सुल्ताना को ब्याह कर घर से रुख्सत कर दे। उसने न्याज की बात खुश असलूबी से टाल दी।